welcome student and faculty of zoology for the BSc college. आगे continue करने जा रहे हैं हमारे last topic जो हमने लिया था brain and behaviour. हमारी book mammalian neuroendocrinology unit 4th का third chapter brain and behaviour के बारे में हम आज यहाँ पर discuss कर लेते हैं. ब्रेन एंड बिहेवियर को समझने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर समझें और ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के साथ साथ में ब्रेन के पर्टिकुलर उनके फंक्शंस क्या रहते हैं और उन फंक्शन से रिलेटेड हमारी पूरी बॉडी के अंदर किस तरीके की अलग अलग जो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिज़म्स हैं जो उनसे प्रभावित होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सभी तरीके के इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह सभी इनके बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं. तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैं पुराना आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करवाना चाहूँगा जहाँ पर आपने ब्रेन की यहाँ पर डिवाइडेड किया था इन थ्री पार्ट्स, प्रोजेनोसेफेलॉन, मेसेनोसेफेलॉन और मैट और तीसरा रोम्बेनोसेफेलॉन, जिसमें प्रोजेनोसेफेलॉन के अंतर्गत हमने यहाँ पर तीन पार्ट देखे थे. पहला था रायनोसेफेलॉन, दूसरा पार्ट जो आपने देखा था वो था टेलेनोसेफेलॉन और तीसरा पार्ट जो अपन ने इसके अंदर देखा वो है डायलेनोसेफेलॉन. मेसेनोसेफेलॉन में क्योंकि ऑप्टिक लोब्स ही प्रेजेंट होती है इसलिए हम उसके अंदर कोई डिवाइडेशंस नहीं है, जो मीडियन ब्रेन के नाम से जाना जाता है. और तीसरा पार्ट जो हिंड ब्रेन है इट्स कॉल्ड रोम्बेनोसेफेलॉन, जिसके अंदर फिर हम यहाँ पर दो पार्ट देखेंगे. फर्स्ट वन इज अ मेटेनोसेफेलॉन एंड सेकेंड वन इज मेलेनोसेफेलॉन. मेटेनोसेफेलॉन यहाँ पर फिर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके अंदर पहला है पॉन्स, वर्लोइड क्षेत्र बनता है और दूसरे एरिया इसमें होता है सेरिबेलम. और तीसरा पार्ट जो अपन इसके अंदर देखेंगे वो पार्ट है यानी कि मेलेनोसेफेलॉन से रिलेटेड पार्ट यहाँ पर मेडुला ऑब्लोगेंटा. आइए हम इनके बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं, इन एरियाज ब्रेन के अंदर ये एरियाज कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाए जाते हैं. सबसे पहले एक ब्रेन की स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे पहले जो आउटर सरफेस है वो पायामेटर एंड ड्यूरामेटर, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरीके से समझते हैं. सो पायामेटर एंड ड्यूरामेटर की कंडीशंस आपको दिखी गई, ये जो आपको लोब्स अंदर की तरफ दिखाई दे रही है. इंपॉर्टेंट सबसे आउटर स्ट्रक्चर्स होती है स्कल. स्कल के अंदर ये क्या होता है, ब्रेन उपस्थित रहता है. तो इसके अंदर फिर पायामेटर एंड ड्यूरामेटर. इसके बाद में इंटरनली हमें पता है कि ब्रेन यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. फर्स्ट वन इज अ ग्रे मैटर एंड सेकंड वन इज यहाँ पर होता है वाइट मैटर. तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर के अंदर ही इनके पूरा कंप्लीट 10 खरब न्यूरॉन तंत्रिकाएँ यहाँ पर मस्तिष्क के भाग के अंदर उपस्थित होती है, जो इनमें पाए जाने वाले अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कार्यों का संपादन करती है. तो इनके अंदर ये पार्ट तो अपन ने देख ही लिया. अब इसको हम डिवाइड करते हैं जिस तरीके से हम अभी तक करते हैं. तो पहला ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इट्स कॉल्ड प्रोजेनोसेफेलॉन यानी कि अग्रभाग. उसके बाद में मध्य भाग की ये जो भाग आती है तो ये मध्य भाग बनाता है इसका यानी कि इसके अंदर मिड ब्रेन. और तीसरा पार्ट जो आएगा वो तीसरा पार्ट यहाँ पर बनाता है इसके अंदर हिंड ब्रेन. तो प्रोजेनोसेफेलॉन कंपेरेटिवली मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के कंपेरिजन में सबसे बड़ा पार्ट है. और क्योंकि सेरिब्रम और मोस्टली आपके जितने भी हम यहाँ बात कर सकते हैं वर्किंग जो पोजिशंस हैं, आपके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रोजेनोसेफेलॉन ही यहाँ पर क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है. तो प्रोजेनोसेफेलॉन इनमें सबसे बड़ा भाग होता है, बीच वाला यहाँ पर मीडियन और तीसरा वाला हिंड ब्रेन होता है. हिंड ब्रेन बेसिकली कनेक्टिव्स होती है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में. तो हिंड ब्रेन का मेजर पार्ट जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और आपके बॉडी के मूवमेंट और जितने भी प्रकार की यहाँ पर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है जिसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर हार्ट बीट्स और आपका सांस लेना वगैरह ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, तो ये सभी प्रकार की आपकी वॉलेंट्री मूवमेंट और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मेजर की जाती हैं. अब आगे अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर प्रोजेनोसेफेलॉन, मेसेनोसेफेलॉन और मेटेनोसेफेलॉन को किस तरीके से डिवाइडेड किया गया है. तो हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहला ये जो पोर्शंस था इस पोर्शंस को भी यहाँ पर फोर पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया. क्योंकि सेरिबेलम ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है इट्स अ कार्पस कैलोसम. कार्पस कैलोसम के बाद में ये जो ऊपर जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये कार्पस कैलोसम इनको टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है यानी ये मिड पार्ट होता है. और मिड पार्ट के दोनों तरफ यहाँ पर क्या होती है, एक चौड़ी पट्टी का यानी रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिससे टू पार्ट यानी कि आधा और आधा यानी यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डेवलपमेंट हो जाता है जिससे लेफ्ट और राइट. इसके लिए भी आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में कि यहाँ पर इसको दो मस्तिष्क के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, टू ब्रेन्स थ्योरी. और ये टू ब्रेन्स थ्योरी के अंदर होता क्या है, कार्पस कैलोसम
जो इनको टू पार्ट्स में डिवाइडेड कर देता है, तो इनका एक पार्ट यानी कि जो राइट साइड का है सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड के पार्ट को, और जो लेफ्ट साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट साइड की ब्रेन को यहाँ पर क्या करता है, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और इसी वजह से इसको यहाँ पर टू ब्रेन्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक ब्रेन जो होता है वो एक वैज्ञानिक के भांति, और दूसरा जो ब्रेन होता है यानी जो दूसरा पार्ट अगर अपन बात करें तो वो यहाँ पर एक कलाकार के भांति प्रदर्शित होता है, इसीलिए इसको टू ब्रेन थ्योरी इनके कार्यों के आधार पर कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं इनके अंदर कि ये जो पार्ट था कार्पस कैलसम जिससे टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर डिवाइडेड हो गए लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट के बाद में अब हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट, हमने इसके अंदर फोर लोब्स जो सेरिबैलम के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से पहली आती है फ्रंटल लोब्स, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये फ्रंटल लोब्स। दूसरी अपन बात करेंगे पीछे वाला जो पार्ट है फ्रंटल के जस्ट पीछे वाला, इट्स कॉल्ड पैराइटल लोब। और तीसरा जो पार्ट आता है जो कि इसकी स्थिति यहाँ पर नीचे की तरफ है। अब ये जो पूरा पार्ट है उसके अंदर नीचे की जो स्थिति है, क्योंकि सामने तो हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वो ले रखे हैं, लेकिन इसमें पीछे की तरफ जहाँ पर लिम्बिक सिस्टम है उसके नीचे माइगडेला हिप्पोकैम्पस, उसके नीचे वाला ये जो रीजन्स हैं यानी ये जो नीचे वाली लोब्स बनी हुई होती है कुछ इसी तरीके से, तो ये लोब्स यहाँ पर नीचे वाला पार्ट पूरा कहलाता है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब यहाँ पर फिर टू लोब्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, जिनमें से एक जो होती है पार्शियल यानी आंशिक रूप से डिवाइडेड रहती है, जिसमें मेजरली 60% पार्ट टेम्पोरल लोब का ही कहलाता है, जिसकी स्थिति लगभग कुछ इस जगह पर होती है, और टेम्पोरल लोब का ही कुछ बचा हुआ पार्ट यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब के रूप में उपस्थित होता है जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये पैराइटल लोब के नियर बाय होता है, इसलिए हम यहाँ पर ऑक्सीपिटल लोब के रूप में इसको पिछला भाग जो पश्च भाग है पोस्टीरियर रीजन उसको यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो इसमें ऊपर की तरफ आगे की तरफ जो आएगा वो आएगा फ्रंटल लोब, उसके बाद में उसके जस्ट बैक साइड के अंदर आएगी आपकी पैराइटल लोब, और नीचे वाला पूरा पार्ट जो रहेगा इसके अंदर वो नीचे वाला तीसरा पार्ट यहाँ पर कहलाएगा, जिसकी अपन बात कर रहे हैं वो है टेम्पोरल। और टेम्पोरल का 60% पार्ट तो टेम्पोरल लोब में ही रहता है, जो खुद उसके अंदर मेन ओरिजिनिटी होती है, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो ऑक्सीपिटल लोब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं अपन इनके अंदर, ये तो थी सेरेब्रम जो यहाँ पर सेरेब्रम के मेन पार्ट हैं जिसके अंदर इसको डिवाइडेड किया गया है। फिर अगली बात आएगी इनके अंदर जो पोजीशंस हैं, यहाँ पर थैलामस और हाइपोथैलामस की दो सिचुएशंस दिखाई दे रही है आपको मिड पार्ट में कार्पस कैलसम के जस्ट नीचे की तरफ। तो ये देखिए आपका थैलामस रीजन्स और ये देखिए आपका हाइपोथैलामस रीजन्स। तो यहाँ पर थैलामस और हाइपोथैलामस, हाइपोथैलामस के अंदर हमें पता है जैसे कि इसका जो पार्ट होता है क्योंकि ये डायनोसेफेलॉन पार्ट से रिलेटेड है, इसलिए इसके अंदर यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलेगी। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर दिखाई दे रही है, और जो थैलामस रीजन होता है यानी मिड पार्ट ऑफ द ब्रेन, यहाँ पर हमें पीनियल बॉडी यानी पीनियल काय देखने को मिलेगी। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे ये जो पार्ट है, ये तो ये पीनियल बॉडी यहाँ पर बन गई और ये पिट्यूटरी। इसके बाद में हमने अभी तक बात की कि इसके जो बैक ऑफ द साइड है यानी निचला भाग जिससे कि हमारे ये मेटानोसेफेलॉन माइलानोसेफेलॉन का डेवलपमेंट होगा, तो ये पार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि पॉन्स पार्ट है, और ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर सेरिबैलम वाला पार्ट कहलाता है। इन दोनों के बीच में जो अंतिम भाग होता है वो अंतिम भाग के रूप में यहाँ पर मेडुला ऑब्लोगेंटा दिखाई देती है। ओके, सो इस तरीके से हमने ब्रेन की ये इतने सारे पार्ट्स देखे हैं। अब इनके बारे में हम इंडिविजुअल्स स्टडी कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरीके का फंक्शंस करता है। सबसे पहले मैं लेकर चलूँगा आपके प्रोजेनोसेफेलॉन के पास में। तो प्रोजेनोसेफेलॉन वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स, फर्स्ट वन इज रायनोसेफेलॉन, सेकेंड टैलेनोसेफेलॉन, थर्ड वन इज डायलेनोसेफेलॉन। रायनोसेफेलॉन बेसिकली इसके एंटीरियर पार्ट के अंदर अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँ तो इसके अंदर ये आपको कुछ पार्ट इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके अंदर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पार्ट के अंदर ये जो जगह दिखाई दे रही है इन जगहों पर यहाँ पर क्या होते हैं, इनके अंदर ऑल्फैक्ट्री लोब्स देखने को मिलेंगे। ये ऑल्फैक्ट्री लोब्स बेसिकली यहाँ पर ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट यानी कि ग्रहण पथ का निर्माण करते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनके अंदर कंदकीय प्रक्रिया यानी कि इन्हीं लोब्स के द्वारा क्या होता है आपके नेजल पैसेज में होकर जो तंत्रिकाएं होती है जिससे सूंघने की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये लोब्स यहाँ पर इनकी जो मेमोरी अपन बोल सकते हैं क्षेत्र हैं वो कहलाएंगे। तो इस तरीके से इनका कार्य यहाँ पर ग्रहण पिंड व ग्रहण मार्ग का निर्माण करना होता है।
दूसरा पार्ट आता है जिसके अंदर अपन टेलेनेसेफेलॉन की बात करेंगे, तो टेलेनेसेफेलॉन के अंदर मेन पार्ट जो बनता है ब्रेन का वो होता है सेरेब्रम। तो जैसा कि अपन ने बड़े पार्ट की बात की है तो ये पार्ट कहलाएगा सेरेब्रम। और सेरेब्रम के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो सेरेब्रम बेसिकली यहाँ पर एक बड़े पार्ट के द्वारा ढका हुआ रहता है जिसे लेफ्ट और राइट यानी दो गोलार्धों के अंदर विभाजित रहते हैं, जो आगे से पीछे की तरफ इनका डेवलपमेंट करती है। और इनके अंदर कुरा और सेरेब्राई ये ऐसी इनके अंदर खांच और विदर जैसी संरचना इसके अंदर उपस्थित रहती है। ओके, सो कार्पस कैलसम तो आगे से पीछे तक यानी मस्तिष्क के अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक फैली हुई रहती है। एक अनुपर से चौड़ी पट्टी का होती है जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के आसपास में देखी जाती है, और ये अग्रभाग से लेकर पश्च भाग तक फैली रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मस्तिष्क दो भागों के अंदर बंटा हुआ रहता है, जिसमें से एक तरफ दायां भाग और एक तरफ बायां भाग। तो राइट और लेफ्ट टू प्रकार के इसमें सेरेब्रल हेमिस्फीयर देखने को मिलते हैं। अब ये बात हुई कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध का तो डेवलपमेंट कर लिया, अब इनके अंदर फोर लोब्स भी जो अपन ने बात की थी इसके अलावा फोर लोब्स का डेवलपमेंट है, जिसमें फ्रंटल पाली पैराइटल फिर पीछे वाले आइए टेम्पोरल और नीचे वाला जो टेम्पोरल पार्ट और पीछे वाला ये रहेगा ऑक्सीपिटल। तो इस तरीके से ये कंप्लीट लोब्स यहाँ पर डिवाइडेड होती है।